नेहरू जी के हाथ में तिरंगा लगाकर अपनी डिग्री बदल रहा है। हम आज भी सुधर नहीं पाए साहब, ये देश है। एक शहीद के बेटे से पूछा गया मास्टर साहब ने कि बेटे तिरंगे में कितने रंग होते हैं, उसने कहा मास्टर साहब तिरंगे में 5 रंग होते हैं। बोले बेवकूफ ठीक से याद कर। बोले हाँ मास्टर साहब तिरंगे में 5 रंग होते हैं। पूरी कक्षा हंसने लगी। बोले ठीक से याद कर बेवकूफ। बोले मास्टर साहब तिरंगे में 5 रंग होते हैं, चल बता कौन से 5 रंग। मयंक शर्मा पढ़ता है नागदा सुन के बताना कि पूछा गया प्रश्न रंग कितने तिरंगे में, इसमें वायरल है देश भर में, छर में पढ़ता हूँ कि पूछा गया प्रश्न रंग कितने तिरंगे में है, आया जो जवाब 5 तो हुआ बवाल था। और गुरु जी थे क्रोध में, वह छात्र मुस्कुरा रहे थे, पर जवाब देने वाला छात्र बेमिसाल था। उसने कहा कि 3 रंग सब जानते हैं, और चक्र वाला नीला रंग भी बड़ा कमाल था। और पापा जब द्वार पे तिरंगा ओर आए थे, तो मैंने देखा खून से तिरंगा लाल लाल था। पापा जब द्वार पे तिरंगा ओर आए थे, खून से तिरंगा लाल लाल था। पापा जब द्वार पे तिरंगा ओर आए थे, तो मैंने देखा खून से तिरंगा लाल लाल था। मैंने देखा खून से तिरंगा लाल लाल। और ये ताकत आती कहां से, उस बेटे को ताकत मिली कहां से होगी। मैं पढ़ता हूं 4 पंक्तियां। अगर उस बेटे का परिवार बैठा हो तो उसके चरणों में मैं अपना मस्तक रखते हुए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। इस सरहदों से जंग का बुलावा जब आया मुझे, इस सरहदों से जंग का बुलावा जब आया मुझे, भाइयों ने मेरे बड़ी धूम से विदा किया। अब पापा ने कहा कि लाल नाक तू कटाना नहीं, हौसला बढ़ा के बड़ी झूम के विदा किया। और भाभी बीवी बहना ने पहले तो निहारा मुझे, कि भाभी बीवी बहना ने पहले तो निहारा मुझे, और साथ थोड़ा दूर घूम के विदा किया। और मौत से ही पहले मुझे मोक्ष मिल गया था, जब माँ ने मेरी मेरा माथा चूम के विदा किया। मौत से ही पहले मुझे मोक्ष मिल गया था, जब माँ ने मेरी मेर, मैं आपके आंसुओं को प्रणाम करता हूँ अम्मा, कि माँ ने मेरी मेरा माथा चूम के विदा किया। अरे बेटा जब शहीद होकर लौटते हैं तो अपने घर वाले के लिए क्या लेकर आता है। मेरी भी सैलरी आती है, मैं भी कभी समझ जब पैसे आते हैं तो वहाँ के लिए कुछ गिफ्ट लेके जाता हूँ। एक सैनिक अपने घर वालों के लिए जब शहीद होता है तो क्या लेके लौटता होगा, सुनना नागरा। इस सरहदों से जंग, इस सरहदों पे संकट आके कहने लगा शहीद, इस सरहदों पे संकट आके कहने लगा शहीद, बाप तेरे नाम को सफल कर आया हूँ। और बहना से कहने लगा राखी का भी मान रखा, और राखी वाले धागे को मंगल कर आया हूँ। और दादाजी से कहने लगा खानदानी पूत हूँ मैं, और रक्त के निशान को प्रबल कर आया हूँ। वो कहती थी माता दूध जल नहीं कर देना, आज तेरा दूध गंगा जल कर आया हूँ। माता दूध जल नहीं कर देना, आज तेरा दूध गंगा जल कर आया हूँ, आज तेरा दूध गंगा जल कर आया हूँ। मैं जब आज गया उज्जैन दर्शन